चलो एटलीस्ट दिस इज फॉलोइंग विद यू राइट, थैंक यू, पैसे वसूल हो गए नहीं तो अब तक तो मेरे को नस काटने का समय आ ही गया था. या यू मेड लाइक दैट, आई वाज जस्ट टेलिंग देम कुछ ला के दो काटो बेंच पे खत्म. ओके कैन वी हैव राउंड अप्लॉज फॉर द होस्ट. बेचारे की तुम लोग क्लास ली है ना, उसकी बेचारे की आप लोगों ने क्लास ले ली बेचारे की. मुझे तो ऐसा आपकी कैन वी हैव राउंड अप्लॉज फॉर हर. हाँ थैंक यू फॉर कमिंग इन लार्ज नंबर्स. हमारे कितने पैसे वाले लोग हैं शो में यार, टिकट बिकी कोई नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया, गुब्बारे फुला रहे होंगे कहीं पे. परसों की तैयारी लोगों का मतलब आपका प्यार वाला कहाँ है? नौकरी पे. अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस. हाँ ठीक है बढ़िया, हमें पता ही नहीं था एक्चुअली. हाँ वही कौन सा प्यार, हमें तो मालूम ही नहीं था. शादीशुदा. हाँ एग्जैक्टली हाँ, ये देखा यही होता है. सही बोल रहे हैं, बहुत सही जा रहा है ये शो. हाँ ये शो ऐसे ही जाने वाला है, रिकॉर्डिंग की माँ बहन आज. पैसे नहीं मिलेंगे इसके हमको. शिट ठीक है. हाँ हाँ पैर ध्यान से अभी. हाँ बस अब ऐसा ही लग रहा है कि अब बहुत कुछ ध्यान से करना पड़ेगा. हाँ तुम आपस में डिस्कस मत करो अभी बीच में. अब बीच में नहीं बोलना है. यू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ जोक आस्क मी. अच्छा कितने लोगों के पास यहाँ पेट्स हैं? लाइक लास्ट टाइम स्पोक समबडी हैज अ डॉग हियर. यू गाइस हैव अ डॉग राइट? यू हैव डॉग्स राइट? यू हैव अ कैट एंड अ डॉग राइट? वेरी नाइस. यू हैव अ हस्बैंड? हमको पता तो आने वाला था. आई न्यू दैट जोक वाज कमिंग. सी दैट्स हाउ वी गेट कंटेंट. इसीलिए तो हम चंडीगढ़ आए कि कोई बताए मेरा पति. All men are and yet on Tinder you go and look for new men. अच्छा हो गया. हाँ ठीक है, very nice, thank you. So you know I was doing a shoot recently, last 2 weeks back I was doing a shoot for a movie. This is my first movie, okay? हाँ वो चल रहा है शूटिंग, अब कल बॉम्बे जा रहा हूँ उसके. लड़की के बाप का रोल है, which is fine. लड़की के बाप का रोल है. लड़की बाप वो पीछे लोंडे सर हिला रहे हैं, कहाँ आ गए देख ले कहाँ फंस गए. उससे पहले ना बॉम्बे में एक बार मैं ऑडिशन दे रहा था. अब वो साउथ दिल्ली की टिपिकल एक लड़की वहाँ थी एंड शी लाइक मतलब वहाँ सब बैठे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हैं, हम लोग बैठे हैं. शी लाइक भैया मेरी अच्छे से लेना. तो हम भी ऐसे ही हंसे जैसे आप लोग हंस रहे थे. एंड शी डिडंट गेट इट एट ऑल. शी सेड क्या हुआ भैया? मैंने कहा पहले तो इसकी ले. हाँ हाँ ले ले, हमारा नंबर बाद में आए. हाँ नेचुरल. या आई नो भैया. चलो एटलीस्ट दिस इज फॉलोइंग विद यू राइट, थैंक यू. पैसे वसूल हो गए नहीं तो अब तक तो मेरे को नस काटने का समय आ ही गया था. या यू मेड लाइक दैट, आई वाज जस्ट टेलिंग देम कुछ ला के दो काटो बेंच पे खत्म करो. स्टिल नॉट ओवर. आई नो देयर लाइक द टॉर्चर गोज ऑन. तू मर मैं आती हूँ तेरी मैयत पे. खड़ा हो यहाँ पे. नहीं ये फिर से आगे नहीं. ये 7 जन्मों का साथ नहीं है, सो भाई यहीं खत्म हो जाएगा 1 घंटे में. थैंक गॉड फॉर दैट. अब जैसे मैं शूट में ना, आई वाज बी स्टेइंग इन पटियाला, 4:45 बजे मेरे दरवाजे की घंटी बजी. दरवाजा खोला, एक आंटी जी खड़ी है टूथब्रश पकड़ के. एंड शी सेड ओ सॉरी आपका कमरा है. मैंने कहा आओ टूथपेस्ट तो लेती जाओ. शी इज विजुअलाइजिंग ऐसे नहीं, मतलब मैं यार ये कोई तरीका होता है, मतलब घंटी बजा के लोगों को बोलो कि यार हमको सवेरे सवेरे टूथपेस्ट चाहिए. रात को फिर 10:30 बजे मैं सो रहा हूँ, फिर घंटी बजी. मैंने हाँ तो 2 बार ब्रश करती होगी ना, अच्छी हाइजीनिक है ना, 2 बार ब्रश करती है. हाँ 2 बार कर दिए. मॉम स्टेज विथ मी लाइक आई शेयर्ड बिफोर सम ऑफ यू ऑल मदर्स. कैन वी हैव राउंड अप्लॉज फॉर द मदर्स वन टाइम? कैन वी ऑल मेक सम नॉइस? वी ऑल लव आवर मॉम्स, वी ऑल लव आवर मदर्स, ऑल मदर्स राइट? एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू डू दिस लेडीज ओवर हियर राइट? ऑल ऑफ यू. जैसे ही मेड आते हैं ना, पहले उसके लिए फटाफट कूटना शुरू, अदरक चाय पिला के बैठ जाए, ठंड लग रही होगी तुझे. मैंने कहा हमें पिला दिया करो चाय तुम, बट तो आप हाँ मेड का काम कर लो. तुम पिछले शो में आई नहीं थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि मैं आपने सुन रखा है वो मेड का काम मैं करता हूँ जब वो मेड नहीं. You have no idea what I have been doing at home, right? कहाँ झाड़ू पोछा वो सब हो चुका है.
मम्मी की सरकती नाइटी, वो सब हो चुके हैं. मम्मी कर चुके. यू हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड. दिस इज रियली या गोइंग वेल. ये तो सीरियल पार्ट टू में आई है. दीज आर इन सीजन टू. You are even season one. This is season two. So you have to like go back and watch that to understand. कि मैंने अपनी maid के मतलब mom के लिए. This is not a Freudian slip. Yeah, I know. एक दिन राधा के बोली भैया emergency होगी. मैंने कहा क्या हो गया? बोले आंटी जी वॉशिंग मशीन में गिर गई. ऐसे विजुलाइज मत करो यार. हाँ मम्मी की हाइट कम है ना तो अच्छी लाइक एक्सप्लेनिंग ऐसे कैसे गिर गई. अरे वो साफ कर रही थी गिर गई, छोटी हाइट कम है लुढ़क गई टांगे बाहर निकली हुई. अच्छा वो मशीन चल नहीं रही थी उस वक्त, नहीं तो मम्मी तो घूम जाती. आई लाइक दिस पीपल एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिकली कि कैसे गिरी होंगी, कितना घूमी होंगी, कितने आरपीएम होंगे, उसके बाद क्या हुआ होगा. आई लाइक दैट. वेरी नाइस.